की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। पर लाठी चालू करी, हम बाहर को निकल गए, हमारे झोपड़े में आग लगा दी। हमारे 2 लाख की रेटी खुली थी, मैंने संदूक में दबा के रखा था अपना कपड़े में लपेट के, वो सारी चीज जेवर वो पड़ा, मोम बना पड़ा था, आम पीतल बना पड़ा उसका। मुसलमान होना हमारे जिलों में, हिंदुस्तान में होना हमारे जिलों में, वो कुछ नहीं है, बस हमारे साथ नहीं दे रही। शासन तो अभी तक, अभी तो सारे अखबार ये लिख रहे हैं कि नाजायज जमीन पर काबिज थे ये। अबे नाजायज जमीन पर काबिज थे तो 30 साल से तुम कहाँ थे? मकान को तोड़ना आए, किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई मकान तोड़े तोड़ने दो, पब्लिक अलग अलग अटकी। लेकिन दरोगा था मनोज, उसने इतनी बदतमीजी करी, जब यहाँ एक लड़का सिर में उसके ईंट लग गई तो जब वो भागा, तो उसके बाद में फिर उन्होंने जब फायरिंग करी और मारने को चढ़ गए वे, तो सब पब्लिक भगी, औरतें रह गई, फिर औरतों को निकाल निकाल के घर में से जो है उनकी बेइज्जती करी, मारा, और उसी टाइम हमारे 8 या 7 लड़के हैं उन्हें ठा के ले गई। क्या क्या नुकसान हुआ है मुझे आपका? ये हमारे फ्रिज चीज दहेज, लड़की का दहेज था, चीज जेवर था, ये सब जेवर चीज था, अलमारी। तो आग किसने लगाई है? ये पुलिस वालों ने। ही लेटे हुए थे, हमारे ऊपर लाठी चालू करी, हम बाहर को निकल गए, हमारे झोपड़े में आग लगा दी, हमें पता नहीं क्या हो रहा, 2 बच्चियों का दहेज था, सारा जल गया, सभी सारे जल गए, पैसे वैसे जेवर वेवर, 2 लड़कियों की 4 लाख रुपए इसमें रखे थे यूरिया जेवर, सब जल गया, सारा कुछ नहीं बचा। ये पूरा देश मेरी बच्ची का, ये रहा पूरा देश जला पड़ा। कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम 2 लाख रुपए की मेरी रेडी खुली थी, हम जाते काम करने, सुबह से जाते काम क्या करने। क्या काम करते हो? घर का सब खाना पकाना करती हूँ मैं, झाड़ू पोछा, लड़की भी जाती मैं भी जाती हूँ। हमारी 2 लाख की रेडी खुली थी, मैंने संदूक में दबा के रखा था अपना कपड़े में लपेट के, वो सारी चीज जेवर वो पड़ा, वो बना पड़ा था, पीतल बना पड़ा उसका, तो बताओ कहाँ से करेंगे? हम गरीब लोग हैं, किराए के घरों में हम गुजारा करते हैं अपना। किसको उठाया है, क्या नाम क्या है उनका? रईस, बड़ा भाई है हमारा। आपके बड़े भाई है? जी बड़ा भाई है, रईस भाई है, पूरा कारखाना था इनका, कम से कम 5-1 लाख रुपए का नुकसान है, सारा जल गया है। बहुत मारा, हाथ पे सोजे पड़े हुए, ना खाना भी नहीं देने दे रहा है, दवाई देने का दवाई भी नहीं देने दे रहा है हॉस्पिटल में, यहाँ पर थाने के अंदर, सदर थाने में। जब से बीजेपी सरकार आई है ये भेदभाव वाली बातें बहुत पैदा कर दी है, आपस में लड़ा रखती है।
बच्चों को छुटवाने के लिए उनको धमकी दी जा रही है, वारिंग दी जा रही है, इसलिए डर के जो है लोग जा रहे नहीं। बाकी यहाँ पे लोगों के दिल में दहशत बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक जैसा से रहते हैं, एक जैसा से रहते हैं और एकता से रहते हैं, मगर प्रशासन इस समय बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, नाम ख़त्म हुआ हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके राजनीति की जाए और गरीब गुरबाओं को परेशान किया जाए, और न जाने यहाँ पर कितने अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर FIR लिखी गई है और उनको चुन चुन कर उठाया जा रहा है। यहाँ पर जितनी बहन बहू बेटियाँ हैं वो सब अपने घरों से बाहर पड़ी हुई हैं, ना उनका खाने का कोई प्रबंध है, ना ही उनको कोई देखने वाला है, प्रशासन की कोई मदद नहीं है। प्रशासन तो अभी तक सारे अखबार ये लिख रहे हैं कि नाजायज जमीन पर काबिज थे ये। अबे नाजायज जमीन पर काबिज थे तो 30 साल से तुम कहाँ थे? तुमने क्यों 30 साल पहले नहीं देखा कि ये नाजायज जमीन पर काबिज हो रहे हैं ये सारे के सारे? आज तुम्हारी आंखें खुली कि नाजायज जमीन पे, आज जमीन की वैल्यू अगर जो है करोड़ों में हो गई, ये तो उस वक्त से आबाद है जब जमीन की वैल्यू हजारों में थी। इसलिए इस तरह से उजाड़ना और इस तरह से तबाह और बर्बाद करना इंतहाई इंसानियत के खिलाफ है ये। क्योंकि चुनाव आ रहा है तो सारा सारा संयंत्र, जैसे मुजफ्फरनगर की घटना ये मुस्लिमों को टारगेट करके करी गई थी, तो फिर से ये दोबारा से जमीन का मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र है बीजेपी सरकार का।